नमस्कार, सेंट पॉल्स हाई स्कूल मीरा रोड की तरफ से मैं हिंदी टीचर मिसेस सविता टीचर। बच्चों, पाठ्य पुस्तक की कविताएं पाठ सीखने के बाद आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के। तो हिंदी व्याकरण में आज हम सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो उसी संज्ञा को आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं संज्ञा के लिए। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं ये अभी हम कुछ उदाहरण वाक्य मतलब कुछ एग्जांपल्स से जानेंगे। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में प्राणी हैं जैसे शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हिरन। उसी तरह यहाँ पर सिर्फ मैंने 6 आपको प्राणी दिखाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जैसे हाथी है, सांप है, चीता, लोमड़ी, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। इन सभी प्राणियों को उनकी पहचान के लिए एक नाम दिया गया है और हम उन्हें उसी नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं इस चित्र में व्यक्ति हैं यानी लोग हैं, और उन लोगों के भी हम नाम से ही उन्हें जानते हैं जैसे रमा, करीना, मीना, जय, अथर्व, फरहान। हर इंसान को अपना एक नाम होता है और हम उन्हें उनके नाम से ही जानते हैं। उसी तरह वस्तुएं जैसे कुर्सी, किताबें, ऐनक, बोतल, झाड़ू, बस्ता, उसी तरह और भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको हम उनके नाम से जानते हैं, जैसे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, ये भी संज्ञा ही कहलाते हैं। उसी प्रकार स्थान जैसे शहर है, जंगल है, गांव है, ये एक स्थान है जिसे हम उनके नाम से जानते हैं। जैसे शहर में होते हैं मुंबई, नागपुर, फिर चेन्नई, कलकत्ता, यूपी, जैसे ऐसे ठिकान है, जैसे ऐसे स्थान है जिनको हम उनके नाम से जानते हैं। उसी तरह भाव यानी खुशी, दुख, प्रेम, भूख, उदासी, ये सब भाव हैं जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं, जैसे प्यास लगना, थकान महसूस करना, दया, बचपन, मित्रता, सुंदरता, ऐसे जो भाव होते हैं जिसे हम महसूस करते हैं उसे हम छू नहीं सकते हैं, ऐसे जो भाव होते हैं उनको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही प्राणी, व्यक्ति, वस्तुएं, स्थान, भाव जिसको हम उनके नाम से जानते हैं उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। तो आओ देखते हैं संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा का अर्थ। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा मतलब नाम होता है, उसे अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। तो आओ बच्चों, अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? ये मेरी किताब है। इस वाक्य में संज्ञा क्या हो सकती है, कोई बता सकता है क्या हो सकती है संज्ञा? सही कहा, इस वाक्य में किताब ये क्या है? संज्ञा है। यह मेरी किताब, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? किताब, ये शब्द। दूसरा वाक्य देखते हैं, मुझे आम बहुत पसंद है। बच्चों, इस वाक्य में क्या है संज्ञा? सही कहा, इस वाक्य में आम ये क्या है? संज्ञा है। आम शब्द क्या है? संज्ञा है। बहुत अच्छे।
तीसरा वाक्य देखते हैं। हाथी जंगल में रहता है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? हाथी। सही कहा। और भी एक संज्ञा है, वो कौन सी है? सही, जंगल। तो इस वाक्य में दो संज्ञा है, हाथी ये संज्ञा है और जंगल ये स्थान है, जो भी संज्ञा ही कहलाती है। तो हाथी और जंगल ये दो संज्ञा हैं। उसके बाद अगला वाक्य कौन सा है, उसमें कौन सी संज्ञा है? देखो, गीता बाजार जा रही है। गीता बाजार जा रही, इस वाक्य में कितनी संज्ञा है? सही, इस वाक्य में भी दो संज्ञा है, और वो कौन सी है? गीता और बाजार। इस वाक्य में गीता ये संज्ञा है और बाजार ये भी संज्ञा है। उसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। मुझे भूख लगी है। इस वाक्य में क्या है संज्ञा? सही, भूख। भूख ये भाव है, हमें महसूस होता है कि हमें भूख लगी है, तो भूख ये संज्ञा है। तो इस वाक्य में मुझे भूख लगी, इस वाक्य में भूख क्या है? संज्ञा है। बहुत अच्छे। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण देखे जिसमें संज्ञा कैसे पहचानी जाती है। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ वाक्य देती हूँ और उन वाक्यों में से आपको संज्ञा पहचाननी है और अपने नोटबुक में उसे लिखना है, ठीक है? और वो वाक्य ये हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। ये मेरा घर है। दूसरा वाक्य, सुरेश मेरा मित्र है। तीसरा, कल हम नागपुर जाएंगे। और चौथा है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। और पांचवा वाक्य है, हमारी बगिया में फूल खिले हैं। तो इन पांच वाक्यों में से आपको संज्ञा ढूंढकर उन वाक्य के नीचे लिखनी है। ये आपका होमवर्क है।